भगवद गीता अध्याय 11 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, विराट रूप। तो इसमें हम देखेंगे कि भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे और साथ ही साथ अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे और अपने जो वास्तविक रूप है जो भगवान का, उसके बारे में भी भगवान जो है इसमें हमें बताएंगे। और ये इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं मध्यात्मसंगितं यत्प्रयुक्तं। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भगवान ने कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, और तो और पिछले अध्याय में भगवान ने अपने बारे में स्वयं बताया और अपने भक्तों के ऊपर वो कैसे कृपा करते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, ये भी बताया। तो ये सभी ज्ञान सुन के अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि उनका जो मोह है वो दूर हो चुका है। परंतु अब प्रश्न ये आता है कि अगर अर्जुन का तो सारा मोह दूर हो गया तो फिर भगवद गीता को यही समाप्त हो जाना था 10वें अध्याय में ही, क्योंकि हमने भगवद गीता, आप लोगों ने देखा होगा जब माता जी ने आपको शुरुआत में पढ़ाया होगा तो अर्जुन मोहित हो गए थे, है ना। उन्होंने पांच कारण दिए थे युद्ध नहीं करने के। इसी कारण से तो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान जो है बताया। मतलब अगर भगवान अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए भगवद गीता बोल रहे होते भगवत गीता को यही समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है मुझे? जब अर्जुन का मोह दूर हो गया तो फिर भगवान आगे के ज्ञान को क्यों बताना चाह रहे हैं हमें? हरे कृष्ण भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, हम लोग के सारे संशय को दूर करना चाह रहे हैं। अर्जुन को तो सिर्फ उन्होंने एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया यहाँ पर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, एकदम सटीक आंसर दिया आपने। तो हरे कृष्णा जी, नरेश प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी, जी अभी प्रभु। तक मैंने जो भगवत गीता का अध्ययन किया और आप लोगों से जो अमृत रूप ज्ञान प्राप्त किया है, उससे यह अभिप्राय निकलता है कि मनुष्य के रूप का जो प्रतिनिधित्व अर्जुन जी कर रहे हैं, अर्जुन जी का तो मोह दूर हो चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि संसार आने वाले समय में ऐसे मोहग्रस्त हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए वो मोहित ना हो, माया में ना फंसे, इसलिए वो हमारे लिए उद्धार करने के लिए अर्जुन जी ये चीजें पूछ रहे हैं भगवान से। और भगवान भी उस चीज को समझ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कभी अगर परमात्मा को इस रूप में, क्या है आजकल विभिन्न प्रकार के ढोंग हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं अहम हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ, तो कहना और भगवान को आज ये जो रूप दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि मैं विराट रूप और उसके बाद चतुर्भुज रूप और उसके बाद सामान्य जो अपना रूप है वास्तविक रूप, ये चीजें करना और कहना तो अलग अलग चीजें हैं। परमात्मा दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो भी यथार्थ है, और अर्जुन जी भी ये चाहते हैं कि मेरे प्रभु की कृपा से जो मेरा जो संशय है वो तो दूर हो गया है, लेकिन मेरे जो आने वाले भाई बंधु हैं, मेरे संसार के और भी प्राणी हैं, उसके मन में भी ये संशय ना रहे, करके ये भगवद गीता को आगे बढ़ाया जा रहा है, बता देते हैं, विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से बताया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे कि माता जी ने और प्रभु जी ने बताया कि अगर ये भगवद गीता अर्जुन के लिए होती तो निश्चित ही ये समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है कल के ही अध्याय में, 10वें अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि आप ही परम भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही परम सत्य है। मतलब अर्जुन का मोह तो दूर कल ही हो गया, परंतु भगवद गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए अभी ऐसा और बहुत सारा ज्ञान बाकी है जो कि हमें भगवान देना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है, अर्जुन क्या है, अर्जुन तो एक जरिया है। जैसे कि अर्जुन क्या होता है, संवाददाता होता है ना। जैसे क्या होता है, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाँव में जाते हैं,
और गांव में जितने भी लोग होते हैं उनके प्रश्न जो है इकट्ठे करके लेके आते हैं, और जो एक्सपर्ट होते हैं फिर अपने चैनल पे बैठ के पूछते हैं। तो वो जो रिपोर्टर्स जो चैनल पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो उनके प्रश्न है? नहीं, वो किसके प्रश्न है? वो जनता के प्रश्न है। वैसे ही अर्जुन जो है वो एक तरीके से रिपोर्टर की तरह काम कर रहे हैं। वो किसके प्रश्न पूछ रहे हैं? वो हम लोगों के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये भगवद्गीता सिर्फ अर्जुन के लिए अगर होती तो वो निश्चित ही समाप्त हो जाती, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए। और ऐसे बहुत सा ज्ञान अभी बाकी है जो कि वो भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से देना चाहते हैं, जिससे कि हम भी जो है अर्जुन की तरह हमारा निर्णय जो है वो दृढ़ हो जाए, जिस तरीके से अर्जुन का निर्णय हुआ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब यहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अभी भी है बहुत से लोग जो कि अभी भी भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, भगवान को भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करते। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने की के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाए। तो अर्जुन नहीं चाहते हैं विराट रूप देखना, क्योंकि अर्जुन का मोह दूर हो चुका है, वो ऑलरेडी अपना निर्णय सुना चुके हैं। लेकिन अर्जुन चाहते हैं कि वो लोग जो कि अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्यों ना प्रैक्टिकल ये चीज दिखाई जाए। अभी तक तो थ्योरी थी, थ्योरी दिखाई, थ्योरी पढ़ाई, जो भी देखा हमने थ्योरी पढ़ी है बस, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाया जाए, जिससे कि उनको ये सिद्ध हो जाए कि जो है ये भगवान की अलौकिकता क्या है, भगवान का जो है दिव्य प्रकृति कैसी होती है। तो उसके लिए भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, तो अभी जो भगवान का रूप है वो वास्तविक रूप है, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अर्जुन सारी चीजों को वही दोहरा रहे हैं कि मैं आपने जो भी कुछ कहा है मैं बिल्कुल सब पे सभी बातों पे मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके अभी मैं जो रूप देख रहा हूँ वो तो वास्तविक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किस रूप में जो है इस दृश्य जगत में जो है आप प्रविष्ट होते हैं वो देखना चाहता हूँ। लेकिन वो देखने के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो आपने देखा होगा कि कई लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपके भगवान है तो वो आते क्यों नहीं है, वो दिखते क्यों नहीं है, तुम्हारे बुलाने पे क्यों नहीं आते, तुम तो उनकी बहुत भक्ति करते हो। तो देखिए भगवान जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है कि हम लोग ऑर्डर देंगे और वो आ जाएंगे। वास्तव में अगर कोई उन्हें देखना चाहता है तो उसे अर्जुन की तरह जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं भगवान के लिए, कर्म करना, भगवान के लिए सेवा करना, चैंटिंग करना, कीर्तन करना, ये सब प्रार्थनाएं हैं भगवान की। इसलिए हमें क्या है उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि आदेश देना चाहिए। अगर हम ये एक तरीके से अर्जुन हमें यहाँ से सिखा रहे कि हमें कैसे भगवान के समक्ष खड़े रह के जो है उनसे याचना करनी चाहिए। कई या कई लोग जो है प्रार्थना कैसे करते जाके कि भगवान मुझे पैसा दे दो, भगवान नौकर थोड़ी ना, हम तो आदेश दे रहे हैं भगवान को, कर कुछ नहीं रहे, आदेश तो अलग दे रहे हैं। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए कि अगर मैं किसी चीज के लिए, जो भी चीज हम मांग रहे हैं, अगर उस चीज के लिए मैं सक्षम हूं तो कृपया मुझे दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत। तो अर्जुन भी यही बोल रहे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने के लिए समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया मुझे दिखाइए अपनी मसीह। तो अब प्रश्न ये आता है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? क्या वो उसने भगवान पे संदेह किया, या फिर वो लोगों को समझाने के लिए था, या फिर खुद को खास मानता था? तो बिल्कुल अभी हम लोग ये चीज समझ गए कि ये
वास्तव में लोगों को समझाने के लिए है, कि जो लोग अभी भी भगवान को साधारण व्यक्ति समझते हैं, भगवान के प्रकृति को, भगवान की कर्म को, भगवान के जन्म को अभी भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे, वो क्या बोलेंगे कि अच्छा भगवान ने ज्ञान दिया है, मतलब कृष्ण ने ज्ञान दिया तो वो तो मैं भी दे सकता हूँ वास्तविक ज्ञान, ये तो मैं भी देना, मैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं भी भगवान हो गया। तो उन्हीं ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए अर्जुन क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर आप चाहते हैं तो मुझे दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं परमेश्वर हूँ। तो अभी इस अध्याय के बाद हम लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये जो ज्ञान दे रहा है और ये बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, और लोग जो है उसके पीछे भाग रहे हैं, उस ढोंग के पीछे, तो हम लोग उससे जाके पूछ सकते हैं, अच्छा फिर अगर आप भगवान हैं तो भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था, और उन्होंने जो कुछ भी बोला था, जो भी ऐश्वर्य बोले थे, वो सारे अपने विश्व रूप में दिखा दिए थे, तो आप भी अपना सार्वभौमिक विश्व रूप दिखाइए। ऐसे लोगों को चुप कराने के लिए जो है क्या, अर्जुन हम लोगों को ये अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ था कि एक बार एक कोई व्यक्ति जो है प्रभुपाद जी के पास आता है और बोलता है कि एक साधु जो है आए हुए हैं गांव में, और वो हवा में उड़ सकते हैं, और वो बोलते हैं कि वो भगवान है। तो वहां के आसपास लोग मतलब वो बता रहे थे कि सारे आसपास के लोग भी जो है उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद जी थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं, अच्छा वो हवा में उड़ सकते हैं, तो इसमें नई बात क्या है, इसमें विशेष क्या है, हवा में तो पक्षी भी उड़ सकते हैं, हवा में तो एरोप्लेन भी उड़ता है, हवाई जहाज भी उड़ता है, सब उड़ता है, तो इसमें नई विशेष बात क्या है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का मतलब कोई करतब दिखाना नहीं है, भगवान का मतलब कोई जादू टोना दिखाना नहीं होता है, ये लोगों ने आजकल बना लिया, और लोग जो है उस अंधविश्वास में क्या करते हैं, उनकी तरफ भागते हैं। तो इसलिए वास्तव में भगवान जो है आपने आपको बताया ही होगा माता जी ने, कि भगवान की जो परिभाषा जो है, षड़ ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण होता है, जो जिसके पास अनंत मात्रा में षड़ ऐश्वर्य होते हैं, वही वास्तव में भगवान कहलाता है, और उसकी पुष्टि जो है सारे शास्त्र करते हैं, सारे देवी देवता करते हैं, सारे लोग करते हैं, सारे भक्त करते हैं, वही भगवान। तो भगवान भी अपनी पुष्टि स्वयं इस पूरे अध्याय को, इस पूरे भगवद गीता में भी कर रहे हैं, और आज उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, जिससे कि साधारण लोग जो है अपने आप को भगवान न बोल सके और लोगों को जो है मरगला ना सके। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब भगवान अपने रूप के बारे में पहले बता रहे हैं कि क्या क्या देखोगे तुम उसमें, मेरे ऐश्वर्य को देखोगे जो कि हमने कल देखे है ना, विभूति योग, ऐश्वर्य योग में सैकड़ों हजार प्रकार के देवी देवताओं को देखोगे, विविध रंगों को देखोगे। हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को भी यहाँ पे देखोगे। तो ये जो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, ये सब क्या है, देवताओं की श्रेणी है, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती है। कल हमने देखा था, भगवान ने बोला ना कि मैं आदित्य हूं, मैं आदित्यों में जो है विष्णु हूँ, ठीक है, वसु और रुद्रो में मैं शिव हूँ, अश्विनी कुमार हूँ, वो सब देवताओं की श्रेणी है। तो भगवान उनको आज दिखाएंगे। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है, ये सब बता रहे हैं भगवान की, ये सब देखोगे तुम। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देख सकते हो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। कल भगवान ने बताया ना कि चर और अचर मेरे से अलग नहीं रह सकते, कोई भी प्राणी क्यों ना हो संसार में, फिर वो चर हो या अचर हो, भगवान आज उनको दिखाएंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो देखिए वास्तव में हर कोई एक सोचता है कि भगवान को देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान को आसान है देखना, है ना, लेकिन भगवान को देखना आसान नहीं है। तो भगवान को देखने के लिए हमारी जो है, हम लोग उस लायक नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे पहली योग्यता तो है, भगवान बोलते हैं भक्त्या मां विजानाति, भक्तो असि मे सखा चेति, भक्ति ही जो है देख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भगवान के शरीर का तेज इतना है कि भक्त भी जो है वो इतना आसानी से नहीं देख पाता भगवान के इस विश्व रूप विराट को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे इन साधारण आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा जिसके माध्यम से कि तुम उसे देख पाओगे। क्योंकि अभी अर्जुन अभी आगे खुद बताएंगे कि दिव्य दृष्टि देने के बावजूद भी जो है अर्जुन जो है उनको कठिनाई आती है भगवान के इस विश्व रूप को देखने में।
अब हम लोग क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम लोग की इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंधेरे में हम लोग नहीं देख पाते हैं, आंखें होते हुए भी, ठीक है? तो अंधा भी नहीं देख पा रहा है और हम भी नहीं देख पा रहे जिसकी आंखें हैं। तो मतलब कि हमारी आंखें तो है लेकिन फिर भी हम नहीं देख पा रहे, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल 3D मूवीज आ रही है, उसके लिए अलग से 3D चश्मे दिए जाते हैं, तब जाके हम 3D मूवीज देखने के जो है योग्य बन पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते 3D। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां कितनी अपूर्ण है और हम लोग बोलते हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे। तो हमें उस लेवल तक पहले लेके जाना है अपनी इंद्रियों को, तब जाके हम लोग हैं जो है भगवान को देखने के योग्य बन सकते हैं। अब संजय जो है धृतराष्ट्र को जो भी विश्व रूप में दिख रहा है वो समझा रहे हैं। संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। अब अर्जुन जो है जो भी देख रहे हैं वो संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। तो संजय जो है एक्सप्लेन कर रहा है पहले विश्व रूप को, फिर अर्जुन करेंगे। तो पहले संजय कर रहा है, संजय क्या बता रहा है? अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है क्या क्या देख रहे हैं कि असंख्य मुख देख रहे हैं, मतलब तो जिसकी कोई संख्या नहीं, कोई काउंट नहीं है। असंख्य नेत्र हैं, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य है जो कि आज तक कभी देखे नहीं किसी ने। सभी जो है वो देवी आभूषणों से अलंकृत थे, हथियार थे उनके हाथों में, वस्त्र थे अलग अलग तरीके की, सुगंधियां थी। तो सब आश्चर्यमय, तेजमय, असीम था। असीम यानी कि सीमा ही नहीं थी, वो जहां जहां अपना मुंह मार रहे थे वहां वहां उनको विश्व रूप ही दिख रहा, सर्वत्र व्याप्त। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। अब संजय बोल रहे हैं कि इतना तेज है उसका उसका विश्व रूप का कि अगर जैसे एक सूरज उदय होता है तो कितनी रोशनी होती है। अच्छा, संजय बता रहे हैं कि हजारों सूरज अगर एक साथ उदय हो जाए तो भी उनकी जो रोशनी है वो समता नहीं कर पाएगी उस तेज की जो कि भगवान के विश्व रूप का था। तो हजारों सूरज का जो प्रकाश है वो भी जो है समता नहीं कर पा रहा है किसकी तेज की, इतना तेज है उस विश्व रूप में। और ये जो तेज है यही क्या है? ब्रह्म ज्योति है। जो लोग बोलते हैं भगवान को निराकार, वो इतना तेज देख लेते हैं कि उनको भगवान का जो छुपा हुआ आकार है वो दिख ही नहीं पाता। और यही चीज की पुष्टि करेंगे भगवान आगे आने वाले अध्याय में कि जो मेरा शरीर से निकलने वाला तेज ही ब्रह्म ज्योति है, वही निराकार है जो कि लोग समझते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो वहां पे अनंत, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान ने सारे अपने विश्व रूप में दिखा लिए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना। अभी क्या किया? अभी अर्जुन जो है मोहग्रस्त था, आश्चर्यचकित था, क्योंकि ऐसा कभी रूप उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि वो तो अपने सखा के रूप में देखा था भगवान को, हमेशा अपने वास्तविक रूप में देखा था जो भी, लेकिन ऐसा विशाल विराट रूप देख नहीं पाया, देखा नहीं कभी उसने। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, मोहग्रसित हो गया और उसने क्या की? प्रार्थना शुरू की। अब प्रार्थना में देखिए क्या बोलता है अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सबको देख रहा हूँ, जो जो भी आपने बताया सब मुझे दिख रहे हैं। मैं कमल पर असीम ब्रह्मा जी भी देख रहा हूँ, शिव जी भी देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों को भी देख रहा हूँ एवं दिव्य स्वरूपों को भी देख रहा हूँ। तो कल भगवान ने बताया था कि मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सर्पों में वासुकी हूँ, मैं नागों में अनंत शेष हूँ, सब दिख रहे थे उसमें। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। तो उनका ना आदि हो रहा है, ना कहीं अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है। और भगवान ने कल बोला था कि मैं ही आदि, अंत और मैं मध्य हूँ, तो वो दिख ही नहीं रहे। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, अर्जुन बोल रहा है, जबकि उसके पास दिव्य दृष्टि है, फिर भी इतना तेज है उसका कि भगवान को अर्जुन बोलता है कि आपके इस रूप को देख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन, इतना चकाचौंध है उसमें, इतना तेज है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है।
तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य गेय वस्तु है, परम आद्य गेय वस्तु यानी कि आप ही जानने योग्य है इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है जो कि भगवान बताए हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। अर्जुन अपना मत सुना रहे हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, क्योंकि उस विश्व रूप में कहीं भी उनको ना आदि दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है। इतना विशाल, इतना विराट है। आपका यश अनंत है। देखिए, आप यश अनंत मतलब क्या? यश अनंत मतलब ये कि भगवान का यश ऐसा है कि जो भगवान के दुश्मन है वो भी भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कंस, जब उसको पता चला कि कृष्ण भगवान जो है उसके मृत्यु का वो कारण है, वही उसकी उनका वध करेंगे, तो दिन रात कृष्ण 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 कृष्ण, भले ईर्ष्या में लेता था नाम, लेकिन दिन रात नाम लेता रहता था। तो ये यश है भगवान का। शिशुपाल, ये यश है भगवान का। रावण, ये यश है भगवान का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा यश है जो कि उनके दुश्मन भी जो है उनको नहीं भूलते, नाम लेने से हमेशा नाम लेते रहते हैं भगवान, भले ईर्ष्या में लेते हैं लेकिन लेते रहते। तो आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, तो उनकी जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते देख रहा हूँ, तो वो जो अग्नि है वो भी निकलते हुए देख रहे हैं, और उसी तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक लोकों एवं अनेक बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है, क्योंकि वो विश्व रूप जहां अर्जुन अपना मुख घुमाता था वहीं पर उसको सब विश्व रूप ही दिखाई देता। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो गए हैं, क्योंकि ये रूप कभी किसी ने देखा नहीं। तो जितने भी देवी देवता राक्षस ये सब जो देख रहे थे, ऋषि मुनि जिनके पास की और पहले से दिव्य दृष्टि होती है, वो सब जब ये देख पा रहे थे तो वो सब क्या है, भयभीत हो रहे थे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, सारे देवी देवता भगवान की शरण ले रहे हैं आपके, और आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ महर्षि तथा सिद्ध व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कल्याण हो कहकर क्या कर रहे हैं, वैदिक स्त्रोतों का पाठ कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस तरीके से वो भयभीत हुए हैं सब। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बांह जांघ पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी। तो अर्जुन ने भी ये कभी देखा नहीं था, और इतना विश्व, इतना विकराल रूप, इतना विराट रूप देख के अर्जुन भी क्या हो गया, विचलित हो रहा है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही मानसिक संतुलन रख पा रहा। अब अर्जुन क्या है कि अर्जुन जो है वो अपना मानसिक संतुलन जो है खोने लग गए, धैर्य खोने लग गए, क्योंकि ऐसा विश्व रूप, ऐसा रूप कभी भगवान का उनने नहीं देखा है। तो वो क्या हो गए, एकदम भयभीत हो गए, एकदम जो है विचलित हो गए। अब वो क्या बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से तो कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों में, दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी वो अर्जुन देख रहा है कि जितने भी लोग हैं वहां पे वो सब क्या कर रहे हैं, वो भगवान के मुख में जो है प्रवेश कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोगों के जो है वो सिर जो है वो भगवान के दांतों में चूर्णित हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में जाके मिलती है, अलग अलग जगह से नदियां आती है और समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी जो है आपके प्रज्वलित मुख में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब देख के, भगवान के विश्व रूप में ये सब देख के, वो भगवान से पूछता है कि भगवान ये आपका कौन सा रूप है जो आप इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जिसमें कि सारे लोग जो हैं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके दांतों के बीच में वो चूर्णित हो रहे हैं, ये कौन सा रूप है आपका। तब भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में जब भगवद गीता शुरू हुई होगी उसमें एक विषय था काल, तो काल के बारे में भगवान बताते हैं, वो काल क्या है। भगवान बोल रहे हैं, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला विनाश वाला काल मैं हूँ। तो काल क्या करता है, हमेशा विनाश लेके आता है, ठीक है। तो वो काल जो है भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ।
मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे अलावा यानी कि पांडवों के अलावा सारे दोनों पक्षों के जितने भी युद्ध है संबंध। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ये क्या है, ये मेरा काल रूप है। और यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि इस काल में जो है ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब काल में पिस रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग हमेशा इस चीज की चर्चा करते आए हैं कि भगवान निमित्त मात्र बनाते हैं अपने भक्तों को कार्य करने के लिए, और उसकी भगवान पुष्टि कर रहे हैं अर्जुन के लिए यहाँ पे कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो शुद्ध युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम सिर्फ जरिया हो। इसका मतलब ये कि हमने देखा था कि जो पहले भी हमने इस चीज पर चर्चा की थी कि भगवान भगवान अपने भक्त को बोलते हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं हर चीज में क्या कर रहे हैं, वो अपने भक्तों को निमित्त मात्र बना। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अपने शत्रुओं को हराओ और संपन्न राज्य का भोग करो, क्योंकि ये तो मेरे ही द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो सिर्फ जरिया हो इनको मारने का, इनको नष्ट करने का। परंतु बात यह आती है कि अर्जुन को ही भगवान ने निमित्त मात्र क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि अर्जुन के लिए भगवान ने चौथे अध्याय में बोला था कि भक्तो असीमे सखा चेति, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए तुम मेरे इस दिव्य ज्ञान को तुम मुझे समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें निमित्त मात्र बना, इसलिए भगवान उसको निमित्त मात्र बनाते। और भी पांडवों को बना सकते थे, लेकिन अर्जुन उनके प्रिय मित्र थे, उनके शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान उनको निमित्त मात्र बनाते हैं। किसके लिए? इस भगवद गीता को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए और धर्म के युद्ध के लिए, जिससे कि वो धर्म की स्थापना कर सके। क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर भी भगवान जो है वो भगवद गीता में ही दिए हैं। तो इसका भगवान ने उत्तर दिया है भगवद गीता में। तो हमने देखा था कि नौवें अध्याय का जो 14वां श्लोक था, जिसमें कि जो सबसे सेंटर वाला श्लोक है पूरी भगवद गीता में, उसमें भगवान बताते हैं कि जो भक्त के लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान का यश बढ़े, भगवान के नाम का यश बढ़े, भगवान का यश बढ़े। तो वो हमेशा सतत कीर्तन करते रहते हैं भगवान का, भगवान के नाम के प्रचार में हमेशा लगे रहते हैं भगवान के, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिससे कि क्या हो, भगवान का यश बढ़े। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये यथा मम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्यहम्। मतलब जो जो जिस जिस भाव में मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, उसको मैं उसी भाव में कृपा प्रदान करता हूँ, उसी भाव में जो है उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करता हूँ। तो जब भक्त चाहता है कि भगवान का यश बढ़े, तो भगवान भी क्या चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं कि अपने भक्त का यश बढ़े। इसलिए क्या करते हैं, उसको सेवा देते हैं, क्या बना के, निमित्त मात्र बना के अपने कार्य को करने के लिए, जिससे कि क्या हो, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तथैव इतरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ महापुरुष जो है वो क्या करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे वैसे सामान्य लोग क्या कर सके, उनका अनुसरण कर सके। तो जो भक्त अगर सही कार्य करेगा, भक्त अगर भगवान की बात मान के कार्य कर रहा है, तो जो उसके नीचे सामान्य लोग आने वाले हैं वो भी क्या करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। अगर अर्जुन अभी नहीं बात मानता, तो हम भी यही बोलते हैं, अर्जुन ने तो मानी नहीं, जबकि वो तो उसके साथ में थे भगवान, फिर तो हम क्यों माने। तो वही बात, इसीलिए भगवान चाहते हैं कि अपने भक्त का यश बढ़े, जिससे कि सामान्य लोग क्या करें, उसको जो है अनुसरण करें और उसको फॉलो करें। जैसे राम जी है, राम जी चाहते तो चले जाते लंका और एक ही क्षण में रावण को मार के सीता मैया को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी वानर सेना का जो है मदद ली और उनके माध्यम से वो पुलिया बनाया, गए, युद्ध किया और वापिस आए। और उनको उन वानर सेना में कौन मिले, हनुमान जी मिले। हनुमान जी तभी हम लोगों को क्या है इंट्रोड्यूस हुए कि अच्छा, हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं। नहीं तो अगर कभी भगवान ऐसा नहीं करते, तो हनुमान जी हम लोगों को पता ही चलते कि भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं हनुमान जी। तो
इसलिए भगवान हनुमान जी का यश बढ़ाने के लिए, वानर सेना का यश बढ़ाने के लिए उनकी क्या की, उनकी मदद ली उन्होंने, और उनके माध्यम से फिर उन्होंने पुलिया बनाया और फिर जो है युद्ध करके फिर से जो है वापिस सीता मैया को लेके। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को क्या करते हैं, सेवा देते हैं, निमित्त मात्र बनाते हैं, जिससे कि उनका यश बढ़ सके और उनको लोग जो है फॉलो कर सके। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। और भगवान यहाँ पे फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं, और जब इन्होंने अधर्म का साथ चुना, जब इन्होंने इच्छा कर ली कि मैं अधर्म के साथ में ही रहूंगा, तभी इनका वध हो गया था, तभी ये मारे जा चुके थे मेरे द्वारा। तो इनकी मृत्यु उसी समय निश्चित हो चुकी थी, ये लोगों की मृत्यु उसी समय निश्चित हो चुकी थी जब इन्होंने अधर्म का साथ देने के लिए निर्णय ले लिया था। तो इसलिए तुम उठो और युद्ध करो और इनको परास्त करो, तुम निश्चित ही क्या करोगे, इनको परास्त करोगे और विजय प्राप्त करोगे, ये भगवान बता रहे हैं। अब संजय जो है धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया, फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अभी तो भयभीत था, एकदम विचलित था, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, है ना। तो अब वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है, क्या बोलता है कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है, क्योंकि भगवान का इस दिव्य विकराल रूप देख के जो है सब विचलित थे, सारे जो है भयभीत थे, लेकिन भगवान के नाम से श्रवण, भगवान के नाम के श्रवण मात्र से व्यक्ति क्या हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो इसलिए अर्जुन जो है उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि स्रष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं, क्योंकि जो कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण आप हैं। और वही अर्जुन भी बोल रहे हैं कि आप ही तो सारे कारणों के कारण हैं, इस भौतिक जगत के भी परे हैं आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। और भगवान ने ये पुष्टि की कि मैं सब जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, वही चीज अर्जुन भी बोल रहे हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने के योग्य भी है। तो भगवान 15वें अध्याय में ये भी बताएंगे, वेदे से सर्वे अहमेव वेदो, वेदों से जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो वही चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ पूरे संसार में, आप भौतिक गुणों से परे हैं, परम आश्रय हैं। भगवान ये भी चीज की पुष्टि कर चुके हैं, उसी चीज को वो सब देख रहे हैं वहां पे कि आप क्या है, गुणों से भी परे हैं, गुणातीत है, गुणाधीश है, अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब क्या हुआ, अर्जुन ने जब यह सब देखा तो अर्जुन जो है वो एकदम क्या हो गया, भयभीत हो गया, वो विचलित हो गया, और उसने कभी भगवान का ऐसा रूप देखा नहीं था। तो उसे क्या हुआ कि सब पुरानी चीजें याद आने लगी, जिस प्रकार से वो भगवान के साथ में रहता था, और उसके लिए वो भगवान से क्षमा मांगता है। क्या बोलता है वो, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। देखिए अर्जुन यहाँ पे मोहग्रसित है अभी, है ना, विचलित है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है भगवान के इस विश्व रूप को देख के। तो वो क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, अन्यथा उसके क्षमा मांगने का कोई भी सवाल नहीं उठता। क्यों, क्योंकि अर्जुन किस भाव में भगवान की सेवा करता है, अर्जुन करता है भगवान की साक्ष्य भाव में सेवा, सखा के रूप में भगवान की सेवा कर रहा है। और भगवान ने बोला ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तान सदैव भजाम्यहम, जो जो जिस जिस भाव में मेरी पूजा करेगा उस भाव में मैं उसके साथ में कृपा का प्रदान, उसको उसमें कृपा प्रदान करूंगा, उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करूंगा। तो अर्जुन साख्य भाव में करता है, तो भगवान भी उसके साथ में साख्य भाव में ही उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसे कृपा प्रदान करते हैं। लेकिन अर्जुन क्योंकि विचलित हो चुका है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो गलत किया, जो भी किया।
तो क्षमा मांगने का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ पे विचलित हो चुके हैं, मोहग्रसित हो चुके हैं, मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं, इसलिए वो एक ये चीज बोलते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। जैसे जैसे हनुमान जी दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान जो श्री राम है वो उनको दास्य भाव में ही उनके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जैसे यशोदा मैया है वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करती है, वात्सल्य भाव में कि वो कितना भी आप कुछ उनको कुछ बोलो कि ये भगवान है, वो अपने बच्चे के रूप में ही उनकी जो है सेवा करती है। यशोदा मैया हो गया, देवकी मैया हो गई, वासुदेव जी हो गए, नंद महाराज हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब वात्सल्य भाव में भगवान की पूजा कर रहे हैं। उनके जितने भी सखा हैं वो सब साक्ष्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान भी इनको अपना भगवान वाला रूप नहीं दिखाते, उनके साथ में उसी तरीके से जो है अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ में उनको उसी प्रकार से कृपा प्रदान करते हैं। तो वो हमेशा अपनी जो भी अलौकिक कार्य होते हैं वो इनसे छुपा के करते हैं, क्योंकि दिखाने के बावजूद भी जो है वो कभी भी ये लोग मान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा वात्सल्य भाव में है कि वो भगवान को नहीं भगवान मानते, वो अपने अपना जो है बच्चा ही मान के जो है भगवान की सेवा करते। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब भगवान अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाएंगे। ठीक है, तीन रूप देखे हमने, ठीक है, तीन मतलब तीन रूप होते हैं वास्तव में। तो जो लक्ष्मी नारायण वाला जो रूप होता है जिसमें कि चतुर्भुज रूप होता है, वो पुरुषोत्तम रूप होता है। ठीक है, फिर जो राम सीता वाला जो रूप होता है वो उसमें जो राम जी होते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम को दर्शाते हैं, और जो फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी वाला होता है वो परम पुरुषोत्तम वाला जो रूप होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक आएगा पुरुषोत्तम योग करके एक 15वां अध्याय, जिसमें कि भगवान अपने बारे में वहां भी जो है डिटेल में बताएंगे। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं भयभीत हो चुका हूँ, कृपया करके क्या करिए, मुझे वापिस से अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाइए। लेकिन पुरुषोत्तम रूप देखने मतलब पुरुषोत्तम रूप यानी कि चतुर्भुज रूप देखने का इच्छा करता है भगवान से। वो अर्जुन बोलता है कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूँ। तो पहले भगवान क्या करेंगे, अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे जो कि नारायण स्वरूप है ना, उसके बाद जो है भगवान अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे। तो हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। अब भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमसे पूर्व ये वाला विश्व रूप कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा जाना जाता हूँ, ना यज्ञ के द्वारा जाना जाता हूँ, ना दान के, ना पुण्य, ना कठिन तपस्या के द्वारा जाना जाता हूँ। इस रूप में, इस संसार में कभी भी देखा नहीं जाता इस तरीके से। अगर कोई चाहे कि वो वेदों को पढ़ ले, पूरी तरीके से समझ ले, यज्ञ कर ले, कठिन से कठिन दान पुण्य, कठिन से कठिन तपस्या कर ले, तो उसको भगवान अपना रूप दिखा देंगे? नहीं, भगवान ये रूप जो है अपने भक्तों की इच्छा पे ही प्रकट करते हैं। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना चित रूप देख सकते हो। तो भगवान अब अपना जो है पहले नारायण स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म जो है वो धारण करे हुए हैं। उसके बाद फिर अपना भगवान जो है वास्तविक श्याम सुंदर रूप जो होता है भगवान का, जिसमें कि भगवान हाथ में बांसुरी लिए, सिर पे मोर पंख लगा हो और पीताम्बर वस्त्र धारण किए हो, वो जो है रूप भगवान का वास्तविक रूप है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। देखिए, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको कभी भी विश्व रूप की इच्छा नहीं होती देखने की, उन्हें चतुर्भुज की भी कोई इतनी इच्छा नहीं होती। वास्तव में वो सिर्फ क्या रहे, भगवान के द्विभुज रूप का ही जो है दर्शन करना चाहते हैं, जो कि भगवान का वास्तविक रूप है, वही इतना आकर्षक है, और उसी के दर्शन में, उसी के चिंतन में वो हमेशा अपने आप को लगाना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन ने भी जब जैसे ही भगवान का द्विभुज रूप देखा, वो क्या हो गया, धैर्य उसका जो है सारा जो भी धैर्य वो खो चुका था वो वापिस आ गया, वो शांत हो गया, उसको जो भय हो रहा था वो अब दूर हो गया। जब अर्जुन ने कृष्ण को अपने आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं
अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो जो भगवान का जो वास्तविक रूप देखा अर्जुन ने, उसको देख के वो क्या हो गया, एकदम शांत हो गया, एकदम भयभीत था पहले, तो अभी शांत चित्त मन से, स्थिर चित्त मन से जो है वो अभी सुनने लग गया। श्री भगवान ने कहा, अब अपने वो श्याम सुंदर रूप के बारे में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे जिस रूप को भी इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, बड़े से बड़े देवी देवता, वो भी क्या करते हैं, इस भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने की ताक में हमेशा लगे रहते हैं। तो उसको कब देखा जा सकता है, इसे भक्त ही देख सकता है, इसे भक्त ही समझ सकता है। तो भगवान ये जो रूप है भक्त के सामने ही प्रकट करते हैं। तो वहां जितने भी लोग थे वो सब भगवान को नॉर्मल देख रहे थे, भगवान का उनको ये श्याम सुंदर रूप नहीं दिख रहा था, नॉर्मल दिख रहा था उनको। जो श्याम सुंदर रूप दिख रहा था वो सिर्फ भक्तों को दिख रहा था, जिसमें कि अर्जुन थे और पांडव थे, भीष्म पितामह थे, ये भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख पा रहे थे। बाकी जितने भी लोग देख रहे थे भगवान के रूप को, वो सब नॉर्मल देख रहे थे, वास्तविक रूप को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है भक्त, और उसको देख पाना भगवान बोल रहे हैं कि बहुत दुष्कर है, इतना आसानी से नहीं देख सकता कोई। क्या वो कैसे देख पाएंगे, उसकी पुष्टि भगवान पहले ही कर रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। तो आप ये जो रूप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे समझा जा सकता है उस वास्तविक द्विभुज श्याम सुंदर रूप को। भगवान बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। कैसे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान स्वयं इस चीज की पुष्टि कर दिए कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कि हम चाहें कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, और भगवान के ज्ञान के रहस्य को भी जो है समझा जा सकता है, भगवान को देखा भी जा सकता है अपने वास्तविक रूप में। तो भगवान ये चीज की पुष्टि चौथे अध्याय में की है, और ये अभी कर रहे हैं, और 18वें अध्याय में फिर से इसको बोलेंगे कि भक्ति हम अभी जाना, कि भक्ति ही मुझे जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीवन में जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो अभी देखिए भगवान यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहे हैं, तो भगवान जो है कल का जो अध्याय आने वाला है वो है कंप्लीटली भक्ति योग, मतलब उसमें वैसे तो पूरी भगवद गीता भक्ति योग बताती है, लेकिन उसमें भगवान में भक्ति के अलग अलग स्तर और ये सब बताएंगे, भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए, कौन से भक्त भगवान को ज्यादा पसंद होते हैं, तो वो लक्षण के माध्यम से भगवान हमें उदाहरण के माध्यम से सब चीजें बताएंगे। तो वही चीज की एक फाउंडेशन बनाने के लिए भगवान सिर्फ ये चीज बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति कैसी हो सकती है, अनन्य भक्त कैसा होता है, वो कभी भी सकाम कर्मों में उसका कोई वो नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती कि कोई फल की इच्छा से कार्य करे, वो हमेशा अपने नियत कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करता है, वो हमेशा शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। वो कैसा होना चाहिए, वो अपने लिए कर्म नहीं करेगा, वो किसके लिए कर्म करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा में कर्म करता हो, अपना अपना जो जीवन लक्ष्य है वो भगवान को समझता है, और कब किसी भी प्रकार के द्वंद्व से वो विचलित नहीं होता। तो इस संसार में अनेक द्वंद्व है, सुख दुख लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये वो जो भी हो रहा है, उन सारे द्वंद्वों से वो क्या है, कभी मुक्त नहीं होता, मतलब उनसे कभी भी विचलित नहीं होता, सब कब सबके साथ में समान भाव से व्यवहार करता है, वो समझता है कि हाँ सभी जो है वो भगवान के ही अंश है, आत्मा है, और सभी के अंदर भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित है, तो वो कभी किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता, साधारण रहता है, और सब पे जो है करुणा दिखाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, और वही निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के प्रति अविभाजित भक्ति की सेवा हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग भगवान के लिए सेवा जो कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो है चैंटिंग। तो हम लोग जो शुरुआत कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, चैंटिंग से। तो अगर हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो वो एक तरीके से भगवान की सेवा हो गई, क्योंकि भगवान का नाम लेने में भगवान प्रसन्न होते हैं,
तो जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे तो एक तरीके से क्या हो गई, भगवान के लिए सेवा हो गई हमारे लिए, क्योंकि हम अपना समय भगवान को दे रहे हैं। तो वो सबसे साधारण सबसे इजी तरीका है भगवान की सेवा करना, और उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप भी दिखाया, सब कुछ भक्षण करने वाला है जो कि, और जहां तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, ऐसा नहीं है कि वह आदिश विश्व रूप या विष्णु रूप ही की ही अभिव्यक्ति है, वह समस्त रूपों के उद्गम है, सोर्स वही है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति से भगवान के कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो अगर हमें भी देखना है तो प्रेमांजन, ऐसा बोला गया है ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन, अंजन आपने देखा होगा जो हम लोग लगाते हैं आंखों में, तो प्रेम का अगर अंजन लगा है अगर हम लोग आंखों में, उसके माध्यम से ही हम लोग भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्रेम का अंजन कब लगेगा, कब आएगा हमारी आंखों में, जब हम लोग भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे भगवान के प्रति, जब हमारी आसक्ति बढ़ेगी। हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।